कुशीनगर जनपद के तमकुहराज विकासखंड के ग्राम पंचायत लक्षियां देवरिया में ग्रामीणों को जल निकासी की समस्या से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में नाली का निर्माण ना होने से घरों का गंदा पानी गलियों और खड़ंजों पर बह रहा है। दुर्गंध के कारण लोगों को काफ़ी समस्या होती है। गाँव में प्रवेश मार्ग पर बरसात होने पर दोनों तरफ गंदगी का प्रकोप अधिक तेज हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों के समक्ष गंदगी का खतरा बढ़ गया है। सड़क पर वर्षों से जल जमा हुआ है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी संक्रमण होने का खतरा सता रहा है। कई बार ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत किया, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जल निकासी की समस्या का समाधान ना होने से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। गांव के मुख्य मार्ग के दोनों तरफ घरों का गंदा पानी पसरा हुआ है। गंदे पानी के जल जमाव के कारण कीड़े मकोड़े व मच्छरों के पैदावार बढ़ गई हैं। दुर्गंध से लोगों को राह चलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण नाली निर्माण न होने से बहुत गुस्से में है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से भी समस्या से अवगत कराया, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका खमियाजा आज ग्रामीण भुगत रहे हैं। प्रधान उक्त गंदे पानी से अनभिज्ञ बने रहते हैं। इस संबंध में जब हमने ग्राम प्रधान श्री राम यादव से दूरभाषा के माध्यम से जानने की कोशिश किया, तो उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा। अब देखने वाली बात है कि कब इस पर अधिकारी जो है अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। क्या नाम है आपका? सुदर्शन सिंह। किस गाँव के हैं? लछिया चंद्र टोला। क्या समस्या है? समस्या यह है कि अगल बगल वाले लोग पानी नहीं निकल रहे, बस और कोई समस्या नहीं। कब से ये पानी जो है सड़क पे लगा हुआ है? आज हाँ 2 साल। तो इसको लेकर आप लोग शिकायत उगायत? नहीं, हर जगह शिकायत हुआ है। SDM थाना कई कई बार आया, कई कई सैकड़ों बार तो है, 112 नंबर आए थे, लेकिन हल नहीं हो पाया। क्या कहते हैं लोग? इधर भी तो अब नाली बना है सड़क वाला, पहले इधर से नाली था तो वो लोग नहीं निकलने दे रहे थे, बाद में अब नाली बना है, इसका कहीं पानी का निकास है नहीं। सड़क पे जल जमा होने से कितना आप लोग को दिक्कत हो रहा है आने जाने में? नहीं, सबको दिक्कत होता है, लेकिन जो इधर लोग हैं उनको ज़्यादा है, जो उधर हैं उनका कम है। कभी आना ही जाना नहीं रहता है, और आधा गाँव के लोगों को इधर। क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। किस गाँव के हैं? बचिया। कब से ये सड़क पे इस तरह से जल जमा हुआ है? सर ये तो हो गया लगभग 2 साल हो गया पानी का। कैसे आप लोग आते जाते हैं? अब आने जाने के ही है कि दूसरा रूट पकड़ते हैं। अब अपने गांव में यही एक रास्ता नहीं है, और भी रास्ते हैं, उससे भी हम निकल जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा समस्या है। जल जमा हुआ है कितना, जिसे संक्रमण होने का खतरा सतर्कता रहता है? बहुत है यार। तो इसको लेकर आप लोग शिकायत नहीं करते हैं कहीं? शिकायत तो बहुत जगह हुआ है सर, लेकिन कोई यहाँ पे कोई भी आता है तो बस देख कर चले जाते हैं। क्या कहते हैं लोग? क्या कहते हैं? अब कि अगल बगल बगल वाले लोग पानी जाने देंगे तो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर पड़ा रहेगा। इसमें किसी को दोषी मानते हैं? दोषी तो हम किसी को नहीं मानते हैं, जो गाँव वाले हैं वो सब कोई दोषी हैं कि भाई सब कोई मिल करके नहीं पानी निकलवाते हैं। स्कूल जाने में बच्चों को भी कितना बहुत दिक्कत है। वो कैसे जाते होंगे? वो अगल बगल से कहीं से बहुत से रास्ता है, कहीं से निकल जाते हैं। मेन सड़क पे ये जी पानी है। इसमें प्रधान क्या कहते हैं? अब प्रधान जी तो नए प्रधान बने हैं, वो तो अभी कुछ बोले नहीं है यहाँ पे। आए थे कि नहीं कभी देखने के लिए प्रधान? वो तो एक बार आए थे, देख कर चले गए, कुछ बोले नहीं है। कुछ 2 साल मात्र एक बार आए हैं? जी एक बार।